पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्धमान हाता निवासी एवं पूर्व कृषि पदाधिकारी राम रंजन कुमार सिंह का मकान पूर्णिया एसडीओ ने खाली करवाकर राम रंजन कुमार सिंह को सुपुर्द कर दिया है। राम रंजन कुमार सिंह ने अपने पुत्र मनीष कुमार सिंह एवं पुत्र बधु नमिता सिंह पर जबरन मकान दखल कर लेने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन से इस मसले पर पहले भी हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था, किंतु इस बार जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए मकान को खाली करवा कर राम रंजन कुमार सिंह को सौंप दिया है। इस दरमियान मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेश के आलोक में मकान खाली करवा कर राम रंजन कुमार सिंह को सौंप दिया है। पिताजी और दो पुत्र का ये मकान है, जिसमें पिताजी को परेशानी थी, रास्ता नहीं था, सामने से उनको रास्ता खाली करके हस्तगत करा दिया गया। कौन कर दिया था? उनके बड़े पुत्र के द्वारा, उनका आरोप जो था बड़े पुत्र के द्वारा बंद किया गया। आज क्लियर हो गया, बस जस्ट लेटर मिला है कि जाके खाली करवाइए। कोर्ट का आदेश क्या है? कोर्ट का आदेश है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर ये रहेगा उनके पिताजी के। वहीं राम रंजन कुमार सिंह का बड़ा पुत्र मनीष कुमार सिंह ने कहा कि यह मकान उन्हीं के रुपये से बनाया गया था, इसके बावजूद उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी और मकान खाली ही पड़ा था। जो है 10 साल लंदन में रहे, वहाँ जॉब किए, हम और मेरी पत्नी दोनों कमा के 1,20,00,000 रुपया हम अपने पिताजी को भेजे, ठीक है, जिससे कि ये सारा जमीन और घर बनाया गया। उसके बाद जो है जब हम लोग लंदन से वापस आए तो हमको पता चला कि ज़मीन जो है माँ के नाम पे खरीद लिया गया है, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, हम लोग घर से निकालने का धमकी दिया जा रहा था, हम लोग को घर से निकलो, घर खाली करो, घर से निकलो। तो उसके बाद जो है हम लोग कोर्ट भी गए, वहाँ पे हम लोग जो है CGM कोर्ट में जो है केस किए, ठीक है, जिसमें कि कॉग्निजेंस लिया गया है और 400 BC पे हमारे पिताजी, हमारी माता और हमारा भाई तीनों बेल पे हैं। जो है SDO साहब के यहाँ जो है केस किए कि हमने जो है ताला तोड़ के घर में घुसा, जबकि हम लोग यहाँ रह रहे, ठीक है। तो SDO साहब का ऑर्डर था कि ठीक है ऊपर में जैसे आप लोग रहते हैं वैसे रहिए, नीचे में मम्मी पापा रहें और छोटा भाई जो है दूसरे तरफ ऊपर में रहें। इसका कंप्लायंस हो चुका था पहले SDO साहब द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है, और वो लोग अपना घर बंद करके गए हुए थे, ठीक है, और ये लोग फिर जाके रीट फाइल किए हाईकोर्ट में कि इसका कंप्लायंस नहीं हुआ है, जबकि इसका कंप्लायंस ऑलरेडी हो चुका है। वो ताला मार के वो लोग जो है नीचे वाले घर को ताला मार के ये लोग भागलपुर में रह रहे थे और ऊपर वाला जो दूसरा पोर्शन है जिसमें भाई रह रहा है उसमें भी ताला लगा हुआ है। यही पाया गया है कि उनके कब्जे में ऑलरेडी था नीचे वाला फ्लोर, उनके कब्जे में ऑलरेडी था, उन भाई के कब्जे में ऑलरेडी था पीछे वाला फ्लैट, ठीक है, और जहाँ तक ये गैरेज का सवाल है तो यहाँ से अभी हम लोग जैसा SDO साहब बोले। वही राम रंजन कुमार सिंह ने कहा कि मनीष कुमार ने उन्हें कोई रुपया नहीं दिया और उसकी नीयत खराब हो गई है, जबकि उन्होंने फर्स्ट फ्लोर का मकान अपने दोनों बेटे को बराबर बराबर बांट दिया है, इसके बावजूद मनीष कुमार सिंह उसे परेशान कर रहा था।